सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुलवामा जिले में चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में एक खोजी दस्ते का नेतृत्व संभाल रहे थे। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के साथ अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो ज्यों ही लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राण घातक खतरे के बीच देख वो निडरता से आगे बढ़े। एक आतंकी का हथियार छीनते हुए उसे बेहद नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद ये शूरवीर सैनिक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भजन दसी एवं पिता श्री शिशुपाल। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए एक खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। राइफलमैन कुलभूषण मंता 52वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल दो आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। मेजर विकास भांबू सेना मेडल, मेजर मुस्तफा बोहरा 252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन ALHWSI मरणोपरांत। इक्कीस
अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सिविलियंस एवं रिकॉनिसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा।